Welcome back to my channel, and in this video we are going to talk about the covering letter कि covering letter कैसे लिखती हैं जब आप visitor visa के लिए apply करते हो. तो यहाँ पर मेरे पास ये एक dummy profile है जो कि सिंह फैमिली की है जो बिलोंग करते हैं कपूरथला पंजाब से. तो ये मैंने एक डमी प्रोफाइल बनाई है जिनका नाम मोहर सिंह है. रोल फादर एंड एप्लीकेंट जो कि एक अपना एक ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं कपूरथला में, दैट्स वन ऑफ द प्लेस नियर बाय जलंधर. और एज इनकी है अप्रोक्सीमेटली 42 ईयर्स. और इनकम जो अपने सोर्स ऑफ इनकम अपने ग्रोसरी स्टोर से इनकम करते हैं वो है $45,000 इंडियन रुपीज या फिर कैनेडियन डॉलर 730. ये जरूरी है जब भी आप मेंशन करो कवरिंग लेटर में कोई भी अमाउंट तो आपका जो अमाउंट है वो CAD कैनेडियन अमाउंट डॉलर में भी होना चाहिए. उनकी एजुकेशन हाई स्कूल ग्रेजुएट थी और फाइनेंशियल स्टैंडिंग ओन्स अ मॉडेस्ट ग्रोसरी स्टोर जैसे मैंने पहले बताया विद एडिशनल सेविंग एंड अ फैमिली होम इन कपूरथला. दिस इज फॉर यू. ये सिर्फ आपके लिए कि आपको मैं समझा रहा हूँ कि मैं प्रोफाइल किस की ले रहा हूँ. और उनकी वाइफ है सीता कौर लाइक जो की 39 ईयर्स ओल्ड की है और जो सिर्फ अपना हाउस मैनेज करती है अपने बच्चों के साथ. और उनके दो बच्चे हैं, एक 15 साल का है एक 13 साल का है. दोनों ही स्टडी कर रहे हैं 10th और 8th स्टैंडर्ड में लोकल स्कूल ऑफ कपूरथला. और ग्रैंड पेरेंट्स हैं यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स जो कि बच्चों की देखभाल करेंगे. तो ये मेरे पास प्रोफाइल हो गई एक पंजाबी फैमिली की जिन्होंने विजिटर वीजा के लिए अप्लाई करना है कनाडा के लिए. तो ऐसे ही मैंने उनके लिए एक कवरिंग लेटर तैयार कर रखी है इसी प्रोफाइल के बिहाफ पर. तो वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ. So here is a like covering letter for visitor visa application. जो visitor visa application वो हमें लिखना होता है like the visa officer Canadian High Commission. तो ये इसको हमें address करना होता है. Subjects application for visitor visa to Canada. Dear sir या ma'am जो भी suitable है. I am writing to submit my application for the visitor visa to Canada. ये letter जो है वो main applicant Bower Singh है उनकी तरफ से है. So I'm writing a letter to submit application for a visitor visa. My name is Bohr Singh and I reside in Kapoorthala, Punjab, where I own and operate a grocery store. Yeh uski introduction hogi main applicant ki. Next, my wife Sita Kaur and I are planning to visit Canada to celebrate a special occasion with our close friends Jagga Singh and Jodh Kaur. Jagga Singh aur Jodh Kaur ki taraf se unko jo ek invitation aaya tha Canada se. तो वो उनको स्पॉन्सर भी कर रहे हैं. हु हैव रिसेंटली वेलकम्ड अ बेबी बॉय यानी उनके यहाँ एक बेटा हुआ है. दिस विजिट इज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू रीकनेक्ट विद. तो यानी जो मेन पर्पस ये है कि वो रीकनेक्ट रीयूनियन चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन. फिर हो गया पर्पस ऑफ विजिट. विजिट क्या क्या पर्पस है. द प्राइमरी रीजन फॉर आवर विजिट is to celebrate the joyous arrival of our friend's newborn baby. Primary purpose तो ये हो गया क्योंकि यहाँ बेटा आया तो हम उन्हें visit करना चाहते हैं. Jagga Singh and Jodh Kaur who are permanent residents of Canada resides in Montreal. Montreal में रहते हैं and work at a local grocery store. दोनों grocery store में काम करते हैं. We have maintained a close friendship with them for many years and this visit will allow us to share in their happiness and offer our congratulations in person. Additionally, we are eager to reconnect with them as they are not only friends but also extended family to us. तो यहाँ पर उनके purpose of visit में ये clear कर दिया कि जो वो बंदे हैं वहाँ पर Canada में Montreal में जोध कौर और जग्गा सिंह उनके कैसे tie-ups हैं. Family ties in Canada. Our connection with Jagga Singh and Jodh Kaur extends beyond friendship. They have been a significant part of our lives and our families have shared many meaningful moments together. आप अगर चाहो तो यहाँ पर meaningful moment जब प्रूव करने के लिए कोई ना कोई आप pictures लगा सकते हो जिसमें आपकी अपने pictures और जो आपके close friends है जो Canada में रह रहे हैं उनकी pictures भी लगा सकते हो. Jagga and Jodh have the often visited us in India, strengthening our bond and supporting each other through various life events. The recent move to Canada and their new addition to this family is a momentous occasion for us and we want to be there to celebrate this milestone with them. तो उनके साथ हम ये milestone यानी कि ये खुशी share करना चाहते हैं. फिर आगे next travel plan.
एंड ड्यूरेशन, जिसमें ट्रेवल डेट्स मेंशन कर सकते हो, वी प्लान टू ट्रेवल इन मंथ्स ईयर, कौन से महीने में कौन से साल में। एग्जैक्ट डेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बट आप मंथ और ईयर तो मेंशन करोगे करोगे। फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स या 3 वीक्स जितने भी है। ड्यूरिंग दिस टाइम वी विल स्टे विद जग्गा सिंह एंड जोधपुर एट देयर रेजिडेंस इन मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल में हम उनके साथ रहेंगे। दे हैव ग्रेशियसली एक्सटेंडेड देयर हॉस्पिटैलिटी टू अस एंड वी लुक फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम टूगेदर। तो यहाँ पर जग्गा सिंह और जोधपुर की जो रेजिडेंस है वहां, उसके प्रूफ भी साथ में लग सकते हैं। Accommodation, our friends have offered us a place to stay in their home in Montreal, which will provide us with both comfort and the opportunity to fully immerse ourselves in their family. Activity during the visit, क्या-क्या चीजें आप करने वाले हो वहां पर? While in Canada, we intend to explore Montreal and its surroundings. वहां पर तो आप रहोगे रहोगे, बट आप मॉन्ट्रियल और सराउंडिंग में भी विजिट करोगे। बट आवर प्राइमरी फोकस विल बी ऑन स्पेंडिंग टाइम विद जग्गा सिंह एंड जोधपुर एंड पार्टिसिपेटिंग इन देयर सेलिब्रेशन। बट मेन पर्पज यही रहेगा कि उनके साथ टाइम स्पेंड करना। फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो वी आर ए क्लोज नेट फैमिली ऑफ फोर बेस्ड इन कपूरथला। माई वाइफ सीता कौर इज ए डेडिकेटेड होमवर्क होममेकर हु मैनेज अवर हाउस होल्ड एंड इंश्योर दैट अवर चिल्ड्रन आर वेल केयर्ड फॉर। Our two children, age 15 and 13, यहाँ पर आप उनका नाम भी लिख सकते हो क्योंकि फाइनल में आपने उनके पासपोर्ट भी साथ में अटैच करने हैं। आई करेंटली स्टडिंग इन द 10th स्टैंडर्ड, 10th एंड 8th ग्रेड रिस्पेक्टिवली। दे विल रिमेन इन इंडिया विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग देयर विजिट। विजिट के दौरान वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहेंगे, जो कि एक बहुत सॉलिड रीजन बन जाता है, मतलब कि फैमिली के लिए, कि वो वापस आएंगे क्योंकि उनके बच्चे यहाँ पर हैं। They will remain in India with their grandparents during our visit, ensuring that their education and daily routine are not disrupted. Financial stability, ये बहुत important जो है covering letter का part है, but यहाँ पर मैंने सारी चीजें reveal नहीं की हैं, but still you can see my grocery store provides a stable monthly income of Indian rupees 45,000 या फिर Canadian 730 dollars. We have additional saving allocated with this trip, covering all our expenses, including travel, accommodation and daily needs. तो यहाँ पर आप लगा भी सकते हो वो चीजें कि जो आप मतलब कि सोर्स ऑफ इनकम जो है वहां बता सकते हो। Our financial situation is secure and we are fully capable of supporting our visit without placing any burden on our host. कमिटमेंट टू रिटर्न, यहाँ पर फाइनेंस में आप बहुत सारी चीजें वो लगा सकते हो। अगर आपके पास कुछ FDs हैं या फिर आपके पास कुछ सेविंग बैंक अकाउंट्स हैं, वो आप डिटेल में मेंशन कर सकते हो कितने सेविंग अकाउंट्स हैं, कितने की FDs हैं और कितने आपके दूसरे फंड्स हैं। कमिटमेंट टू रिटर्न, वापस क्यों आओगे? वी आर कमिटेड टू रिटर्निंग टू इंडिया आफ्टर आवर विजिट एज अ रिस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन ऑनर। आई हैव सिग्निफिकेंट टाइज टू माई ग्रॉसरी स्टोर विच रिक्वायर्स माई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। तो पहला कारण तो ये हो गया कि लाइक जो मेन एप्लीकेंट है उसका यहाँ पर ग्रॉसरी स्टोर है और वो अपने ग्रॉसरी स्टोर को चलाने के लिए उनको वापस आना ही पड़ेगा। सेकेंड वन इज माई चिल्ड्रन एजुकेशन एंड अवर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्दर एंकर अस टू इंडिया। जो दूसरी चीज है उनके जो फैमिली है, जो बच्चे हैं उनके साथ साथ नहीं जा रहे हैं, तो ये मतलब कि बंदा बता रहा है कि मेरे को वापस आना पड़ेगा क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ पर है, मेरे बच्चे यहाँ पर है। वी हैव प्लान्ड अवर ट्रिप केयरफुली टू इंश्योर इट कंप्लाइज विद द वीजा कंडीशन एंड वी हैव नो इंटेंशन ऑफ ओवर स्टेइंग आवर विजिट। ये चीज मेंशन करने की जरूरत है कि मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं वहां पर ज्यादा टाइम रहूं, क्योंकि अगर आप पहले देखो तो हमने यहाँ पर एक चीज मेंशन की थी, हमने बताया था कौन से मंथ और ईयर में जा रहे हैं, कि हमने पहले से प्लानिंग की हुई थी कि कैसे हम जो है अपना किस दिन को जाएंगे और कितने दिनों के लिए जाएंगे, नंबर ऑफ वीक्स, कितने हफ्तों के लिए जाएंगे। नेक्स्ट कमिंग बैक, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप जो लगा सकते हो बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ माई ग्रॉसरी स्टोर। यानी कि ये मैंने एक डमी एग्जांपल ली है जिसमें बंदा एक अपना करियाने का स्टोर कर रहा है, वो उसकी रजिस्ट्रेशन लग जाएगी साथ में और उसके आईडीआर लग जाएंगे। बैंक स्टेटमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग सफिशियंट फंड फॉर अ ट्रिप, जो भी उनके बैंक स्टेटमेंट है, 1, 2, 3 बैंक जितने भी बैंक में हैं उनके पास जितने भी फंड हैं, कॉपीज ऑफ अवर पासपोर्ट ऑफकोर्स, अ फॉर्मल लेटर ऑफ इन्विटेशन फ्रॉम जग्गा सिंह एंड जोधकौर,
इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ देयर परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस एंड एम्प्लॉयमेंट इन कैनेडा। जब आप ये चीजें मेंशन कर रहे हो तो उनका पीआर कार्ड होना जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस होना साथ में लगाना जरूरी है। डिटेल्स ऑफ आवर ट्रेवल इंटेंटिटी इंक्लूडिंग फ्लाइट बुकिंग एंड अकोमोडेशन अरेंजमेंट, अगर फ्लाइट बुकिंग पॉसिबल है तो आप लगा दो, अदरवाइज आप अपने अकोमोडेशन अरेंजमेंट के बारे में लिखोगे। स्कूल कंफर्मेशन लेटर इंडिकेटिंग दैट आवर चिल्ड्रन विल बी अंडर द केयर ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स इन आवर एब्सेंस। ठीक है, तो वो जो हमारे लाइक पेरेंट्स हैं या बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उनकी टेक केयर करें। एट लास्ट वी रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर आवर एप्लीकेशन फेवरेबली। दिस ट्रिप इज नॉट ओनली अ चांस टू सेलिब्रेट विद आवर फ्रेंड्स बट ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू रीकनेक्ट विद स्टैंडर्ड फैमिली इन कैनेडा। कंक्लूजन में वही सारी चीजें जो आपने स्टार्टिंग में लिखी थी उसको कंपाइल करके लिखते हैं ना। वी आर फुली कमिटेड टू एडहरिंग टू द वीजा कंडीशन एंड रिटर्निंग टू इंडिया एज प्लान। जब ये लिखते हो ना आप वर्ड एज प्लान, इसका मतलब ये है कि आप हम पहले से ही तैयारी करके चले हो कि आप कितने दिन के लिए वहां रुकोगे। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग आवर एप्लीकेशन एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। योर सिंसियरली बोर सिंह। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर आपका हो सकता है। तो ये आपकी जो है कवरिंग लेटर है, जो कि अगर देखो अगर तो आपका केस एग्जैक्टली सेम है तो आप ये कवरिंग लेटर भी यूज कर सकते हो। अगर डिफरेंट है तो बहुत सारी और भी कवरिंग लेटर की सैंपल्स मैंने अटैच कर रखे हैं, आप वहां से देख सकते हो। और इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम माय साइड तो दिए हुए नंबरों पर आप मेरे से कॉन्टेक्ट कॉल कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं और बहुत सारी केस स्टडीज के साथ।